आप देख रहे हैं एबीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। एबीपी इंडिया न्यूज ऐसे कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है जो संकट की घड़ी में रात दिन अपनी ड्यूटी को अंजाम तो दे ही रहे हैं और साथ ही आपस में अपनी सैलरी से धन इकट्ठा कर गरीबों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मुरादाबाद में जारी लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे अधिकारी आरएएफ व पुलिस के जवानों ने अपनी मासिक सैलरी से आपस में धन इकट्ठा किया और लगभग 250 राहत सामग्री के बैग जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो तेल, नमक व आलू प्याज आदि था। सभी राहत सामग्री के बैगों को पुलिस लाइन की सरकारी गाड़ी में भरकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों तक पहुंचाया गया। हम सभी को ऐसे सच्चे देशभक्तों से सीख लेनी चाहिए। मुरादाबाद से शिवपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। ये आज आरएएफ और पुलिस, मुरादाबाद पुलिस के सहयोग से यहाँ पे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन वितरित किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों की जो समस्या है उनका निदान करते हुए कोरोना वायरस के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। यूपी 112 के माध्यम से भी जिन जहाँ पे राशन संबंधी कॉल आती है तो उनको पहुँचाया जा रहा है। आज जो हम लगातार जो गश्त करते रहते हैं तो आज आरएएफ और पुलिस ने स्वयं यहाँ पे जो हमारे जवान हैं उन्होंने भी इच्छा प्रकट की कि हम लोग भी यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको राशन प्रोवाइड करेंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर इस एरिया में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन दिया जा रहा है। इसमें आरएएफ का सहयोग बहुत ही सराहनीय है जो लगातार ड्यूटी करते हुए कोरोना वॉरियर्स हैं और लोगों की जरूरतों को भी ध्यान रखते हुए फ्रेंडली पुलिसिंग का अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार मिश्रा है, डिप्टी कमांडेंट है। ये राशन मुरादाबाद पुलिस और आरएफ के जवानों के स्वैच्छिक दान के तहत रकम इकट्ठा की गई थी और इस रकम का ये 250 पैकेट तैयार किया गया था जिसमें कि चावल है, आटा है, दाल है, साबुन है, मास्क है, इस तरह के सामान इसमें दिए हुए हैं, आलू है, प्याज है, इस तरह के सामान इसमें दिए गए हैं। और यहाँ चूँकि इस इलाके में हमारे लोग नियमित ड्यूटियाँ करते रहे हैं, इसी ड्यूटी के क्रम में हमारे जवानों ने देखा कि यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक के आसपास जो झुंगी झोपड़ियाँ हैं वहाँ लोग काफ़ी, यद्यपि कि प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि इनको राशन की भी ज़रूरत है। और कुछ लोगों ने ऐसा बतलाया भी कि सर इधर राशन बंटता तो अच्छा रहता, तो इसी क्रम में हमारे जवान और सिविल पुलिस के स्वैच्छिक दान द्वारा ये राशन तैयार किया गया और फिर यहाँ पे लाकर के वितरित किया गया। आजा आजा। पल्ला रख लो, पल्ला मुंह पे। नीचे नीचे हाथ नीचे। ठीक है, वो तो दे सकते हैं अगर ऐसा कोई आता है जरूरत। बस करिए, बस करिए, हो गया। दूसरा चैनल भी आ गया। इधर आ जाओ।